Hello friends, good morning to all of you. Now, in this lecture, we are going to see how to write dictionary data in CSV file and how to read dictionary data from CSV file. In previous lecture, we have seen how to write multiple rows in CSV file and how to set a user-defined dialect or delimiter. If we are not going to set or define delimiter explicitly, then CSV file will take the by default delimiter or dialect of Excel file. Now here अब हम देखेंगे कि how to write data in dictionary format. So see here, this is the first language, import CSV. हम जैसा कि इंपोर्ट करते हैं CSV मॉड्यूल को, देन वी हैव डिफाइन अ डिक्शनरी वेरिएबल इन विच वी हैव सेट ऑल द की एंड वैल्यूज, रोल नंबर 1, नेम एक्स, क्लास 12. या रोल नंबर, नेम, क्लास आर द कीज एंड 1, एक्स, 12 आर द वैल्यूज. इन द सेकेंड लाइन वेयर रोल नंबर इज की एंड 3 इज द वैल्यू, हियर नेम, क्लास, दिस इज द की and 3, z, 12 are the value, 12 is the value. Now here we have set fields, roll number, name, class, there are 3 fields. Now we have set the field in the fields variable. Now we are going to open the file with open csv dict1.csv in write mode. We have to open the file in write mode as dict1. This line is used to open file in write mode. Now second line, writer equal to csv dot dict writer. Here we are going to use a method dict writer to write the dictionary method. Dictionary format में या dictionary method में write करने के लिए हमें writer, csv dot writer की जगह पर हम क्या use करेंगे, csv dot dict writer. Here is the file name, field name equal to fields pass कर दिया हमने यहाँ पर, और हमारा file जो था csv dot डिक्ट वन, ये हमारा क्या हो गया, एच डिक्ट वन, यहाँ पे हमने इसको पास कर दिया है. नाउ राइटर डॉट राइट हेडर, दिस इज द राइट हेडर, दिस इज मेथड यूज टू राइट द हेडर ऑफ द फील्ड. फॉर एग्जांपल हियर द हेडर इज रोल नंबर, हियर इज रोल नंबर, क्लास एंड नेम आर द हेडर्स. नाउ इन द लास्ट लाइन राइटर डॉट राइट रोज बाई डिक्ट, यहाँ पर हमने डिक्शनरी वाली वेरिएबल पास कर दिया है. दिस विल राइट द डेटा इन डिक्शनरी फॉर्मेट. सो दिस इज ऑल द कोड अबाउट द अबाउट राइटिंग द कोड इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी एज ए की वैल्यू पेयर. नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड we have seen reading CSV dictionary file. Now in the previous slide we have write the data in dictionary file format. Now in the next slide we are going to see how to read the data from dictionary file. Here we have import CSV. Now open the file with open CSV dict1 in read mode. यहाँ पे हमने किस मोड में रखा है, ओपन कर रखा है, रीड मोड में कर रखा है. रीडर इक्वल टू सी एस वी डिक्ट रीडर, यहाँ पे हमने सी एस वी डॉट राइटर, सी एस वी डॉट रीडर की जगह पे डिक्शनरी के लिए हम लोग यूज करेंगे सी एस वी डॉट डिक्ट राइटर एंड सी एस वी डॉट डिक्ट रीडर. दैट विल बी यूज इन प्लेस ऑफ सी एस वी डॉट राइटर एंड सी एस वी डॉट रीडर. नाउ वी आर गोइंग टू इनिशिएट अ लूप फॉर रो इन रीडर. जब तक, कब तक लूप चलेगा, अनटिल अनलेस द रोज फाउंड इन रीडर. जब तक फाइल में हमारे रो रहेंगे तब तक प्रिंट करेगा रो, रोल नंबर, रो, नेम, रो, क्लास. दिस इज प्रिंटिंग मेथड बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रिंट की वैल्यू पेयर. की वैल्यू पेयर, हमें की और वैल्यू दोनों फॉर्मेट को प्रिंट करना है. दैट्स वाई वी आर गोइंग टू यूज प्रिंट रो, यहाँ हियर फील्ड नेम, प्रिंट रो, फील्ड नेम, प्रिंट रो एंड फील्ड नेम. By using this method, we can able to print the data in key value pair. I hope this is easily understood. Now,
what we have discussed in our CSV file topic. What is CSV file? हमने देख लिया how to write CSV file, ये भी हमने देख लिया. How to read CSV file, ये भी हमने देखा है. How to write multiple rows in CSV file, ये भी हम लोग पढ़ चुके. How to set dialect to CSV file, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया. Now how to read dictionary CSV file, ये भी पढ़ लिया. How to write dictionary CSV file, ये भी हमने पढ़ लिया. Now it's all about the CSV file. अब CSV file के बारे में हमने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर रखा है. अब नेक्स्ट है हमारा ऑन फ्राइडे. ऑन फ्राइडे दैट मीन्स कि 15 मई को हमारा असाइनमेंट क्लास होगा 15 मई को, एंड 16 मई को विल बी रिवीजन क्लास. हियर वी आर गोइंग टू हैव असाइनमेंट क्लास. यहाँ पे हमने असाइनमेंट क्लास लेंगे, और यहाँ हमने सैटरडे को रखा है रिवीजन क्लास. एंड फॉर नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास विल रन फ्रॉम संडे. संडे से हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास होगा. एंड यू कैन सजेस्ट नेक्स्ट टॉपिक. आपको जो टॉपिक पढ़ना होगा आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं बाय कमेंटिंग, बाय मेल एंड बाय व्हाट्सएप नंबर. सो दिस इज ऑल अबाउट सी एस बी फाइल. नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग.